नमस्ते सतावस्थले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है कि क्या भारत अमेरिका इजराइल चाइना ऑस्ट्रेलिया की तकनीक के मुकाबले ड्रोन के मामले में क्या सक्षम है या कमजोर, तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, ड्रोन तकनीक के मामले में भारत में जानकारी और सूझबूझ की कमी नहीं है। भारत में अच्छे डिजाइनर और प्रोग्रामर हैं, और साथ ही आपने ये चीज भी देखी होगी कि भारत के प्रोग्रामर्स और डिजाइनर विदेशों में काम कर रहे हैं, इन्हीं देशों के लिए भी। लेकिन बात आती है अपने देश की, जहां अमेरिका इजराइल चीन ऑस्ट्रेलिया की तकनीक के मुकाबले भारतीय ड्रोन कमजोर नहीं है। ऐसे में दोस्तों, पिछले दिनों अमेरिका में हुई प्रतियोगिता में आईआईटी कानपुर में बने ड्रोन ने 3 खिताब हासिल कर अपनी मिसाल पेश की थी। ड्रोन के क्षेत्र में चीन बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, ये बात आप सब जानते भी हैं। अमेरिका इजराइल शुरू से ही इस क्षेत्र में आगे रहे हैं। अब भारत में भी इस और तेजी से काम शुरू हुआ है। हालांकि इन्वेस्टमेंट उपेक्षाकृत बहुत कम है, जो एक सबसे बड़ा बैरियर आता है, यानी कि बाधा आती है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो एक बड़ी समस्या होती है तकनीक के बाजार तक आने की। प्रोटोटाइप से उसे वास्तविक धरातल तक लाने में कई चुनौतियां होती है। तकनीक के मामले में भारतीय वैज्ञानिक कमजोर भी नहीं है, लेकिन उपकरण की उपलब्धता बड़ी समस्या है। यहाँ ड्रोन में इस्तेमाल के लिए मोटर, कैमरे, सेंसर्स बनाने वाली कंपनियां सीमित हैं। इसके लिए अन्य देशों पर निर्भरता होती है। चीन और ताइवान से कई उपकरण खरीदे भी जाते हैं। हमें ड्रोन के कॉन्सेप्ट की मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करने की जरूरत है। ड्रोन का इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ रहा है, और DGCA जरूरत के मुताबिक ड्रोन के संचालन की अनुमति भी दे रहा है। हाल ही में तेलंगाना में मेडिसिन फॉर्म स्काई प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके तहत ड्रोन के जरिए दवाओं की आपूर्ति की जाएगी। कई अन्य तरह के ट्रायल अन्य हिस्से में चल रहे हैं। हर जगह मॉनिटरिंग आसान नहीं है, ऐसे में सरकार को अनुमति देने में सावधानी बरतनी पड़ती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ड्रोन के इस्तेमाल की तैयारी की है। सेना में भी सर्विलांसिंग के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। नदियों, पाइपलाइन, खेत, पुल, बिल्डिंग आदि का सर्विलांस चल रहा है। जुलूस हो, परेड हो और कार्यक्रमों की निगरानी इन्हीं ड्रोनों से होती है, और इन सब के लिए एक अच्छे कैमरे की जरूरत पड़ती है। देश में ऐसे कैमरे बहुत ही कम बन रहे हैं। इसके लिए दोस्तों, स्कूल लेवल पर भी ड्रोन तकनीक शुरू करने की जरूरत है। रोबोटिक्स के अंतर्गत ड्रोन तकनीक की जानकारी दी जा सकती है, और भारत की राजधानी दिल्ली में कई स्कूलों में इसकी शुरुआत भी हो रही है। बच्चों में छोटे स्तर से ही इसकी जानकारी देने की जरूरत है। ड्रोन की टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। ड्रोन की तकनीक में पिछले 10 सालों में काफी तेजी से बदलाव आया है। साथ ही दोस्तों, ड्रोन के विकास के साथ साथ हमें एंटी ड्रोन विकसित करना भी जरूरी है। इस दिशा में काफी तेजी से भारत में काम चल रहा है, और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इसमें तेजी की दरकार है। सरकार की ओर से भी सहयोग की जरूरत है। एंटी ड्रोन गन बन चुकी है, और ये ड्रोन के GPS और रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को जाम कर देती है। इजराइल और अमेरिका ने इन पर बहुत काम किया है। ड्रोन की टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बदल रही है, उसे देखते हुए ये जरूरी है कि इसके कंपोनेंट्स देश में तैयार हों। आयात पर निर्भर रहकर हम पिछड़ जाएंगे। बाहर से उपकरण लाकर तेजी से अपग्रेड करना संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें काफी खर्चा भी आएगा, और हम इस क्षेत्र में फिर आत्मनिर्भर भी नहीं बन पाएंगे। हालांकि दोस्तों, ड्रोन के मामले में भारत भी तेजी से बढ़ रहा है, और भारत भी अमेरिका, इजराइल और चीन जैसे देशों को ड्रोन के क्षेत्र में टक्कर देने का काम कर रहा है। दोस्तों, अभी ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमें इसके कंपोनेंट्स के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इसीलिए घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि अगर घरेलू स्तर पर आपूर्ति होगी तो हम तेजी से अपने ड्रोन्स को अपग्रेड कर पाएंगे, और ये एक भारत को मौका देगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ड्रोन के क्षेत्र में। तो कुल मिलाकर आपने देखा, प्रतिभा की कमी नहीं है। बेहतरीन डिजाइनर और डेवलपर इंडिया में मौजूद हैं, जो कि अमेरिका, इजराइल और चीन, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की तकनीक की जैसा ही काम कर सकते हैं। यानी हम तो ये कहेंगे उनकी तकनीक का मुकाबला भी कर सकते हैं। अगर हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर काफ़ी पहले ध्यान दे दिया होता, तो आज भारत एक बड़े लेवल पर खड़ा रहता। लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस ये जो वीक पॉइंट्स हैं, जिसमें कि एक तो इन्वेस्टमेंट, दूसरा कंपोनेंट्स को स्वदेशी रूप से तैयार करना, तीसरा कि स्कूल के लेवल पर से इसको स्टार्ट करना है, बच्चों को शुरुआत से ही इस तरीके के क्षेत्र में काम करना सिखाना पड़ेगा, और एंटी ड्रोन सिस्टम भी इसके लिए विकसित किया जाना। तो ये सारी पॉइंट्स हैं, इन पर फोकस करना जरूरी है, ताकि भारत आत्मनिर्भर बनेगा ड्रोन के क्षेत्र में। आपको क्या लगता है इस मामले में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलता है वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।